नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपको पता है कि रीट सेकंड लेवल के अंदर अपन ने वर्गमूल, घनमूल और घातांकी का पूरा टॉपिक समझाया था और आपको मैंने दोनों पीडीएफ भी शेयर कर दी थी। तो आज हम एक बहुत प्यारा टॉपिक आपके सेकंड यूनिट का टॉपिक लेंगे, प्रतिशत। लेकिन ये जो प्रतिशत आज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ ना, ये अगर कोई इंसान जीरो से स्टार्ट कर रहा हो मैथमेटिक्स, वहां से लेके अगर कोई इंसान बहुत अपर वाला एग्जाम दे रहा है ना, वहां तक के कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी तक के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ साथ कोशिश करना कि जो प्रतिशत है ना, उसको डेली का डेली जो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा उसको देखते हुए चलोगे, एक भी पार्ट इसका मिस मत करना, क्योंकि प्रतिशत जो है वो आपके पूरी अंक गणित का आधार है। और जो रीट के हिसाब से बात करूं तो पूरा सेकंड लेवल का जो सेकंड यूनिट का जो सिलेबस है वो आपको पूरा परसेंटेज में बेस्ड है। उसके बाद अगर पटवारी की बात करूंगा तो भी प्रतिशत और लाभ हानि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रीट फर्स्ट लेवल की बात करेंगे तो वहां पे भी लाभ हानि आएगा, वो भी आपका प्रतिशत पे ही बेस्ड है। तो ओवरऑल मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको बहुत अच्छे से कोशिश करनी पड़ने की। और एक और चीज, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने की कोशिश करना, बीच में स्किप मत करना, बाकी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को समझते हुए चलोगे तो आपको बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट जानने को मिलेंगे। आइए देखते हैं, करते हैं शुरुआत प्रतिशत की, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं इसकी शुरुआत करने की कोशिश करूंगा, केवल मेरे साथ साथ आप लोग समझने की कोशिश करना, जैसा कि मैं हर चैप्टर में करता हूं, आज भी वही चीज कर रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा हुआ है प्रतिशत, है ना। मैं आप लोगों को पूछूंगा इस प्रतिशत का मीनिंग क्या है ना, व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज। आप लोग परसेंटेज से समझते क्या हो, ये प्रतिशत है क्या, है ना। तो आप लोग क्या बोलोगे समझना, कि यहाँ पे जो ये परसेंटेज लिखा हुआ है ना, इसको अगर मैं ब्रेक करूं, इसको ब्रेक कराने पे मिलता दोस्तों ये पर प्लस सेंट। इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये क्या मिलता हमारे पास, पर प्लस सेंट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इस पर को हम बोलते हैं प्रति, इस पर को हम क्या बोलते हैं प्रति, और सेंट का मतलब क्या होता है सो। इसका मतलब क्या हुआ, प्रति सो। कहने का मतलब क्या हुआ, हर सो पे चलने वाली कैलकुलेशन जो होगी ना, वो आपके किस में काउंट होगी, परसेंटेज में। तो कहने का मतलब हुआ क्या, कि परसेंटेज मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज को सो के अंदर रिप्रेजेंट करना। अगर आप किसी चीज को सो पे रिप्रेजेंट कर दोगे ना, तो वो वाला हिस्सा आपका क्या कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा ना। कैसे कहलाएगा, समझते हैं चीज को, देखना। जैसे मैंने आपको बोला, सपोज किसी एग्जाम में आपके 500 में से, सपोज किसी एग्जाम में आपके 500 में से 400 मार्क्स है, सुनना मेरी चीज को ध्यान से जो बोल रहा हूं। अगर किसी एग्जाम में आपके 500 में से 400 मार्क्स है और मैंने आपको बोला कि कितने प्रतिशत मार्क्स है, तो अब आप लोग क्या बोलोगे, सुनना, यहां पे चीज 500 में से कंपेयर हो रहा है कि 500 में से कितना है 400। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इस 500 से कंपेयर नहीं करवाना, परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों कि यहां पे हमको किसी भी चीज को कंपेयर किससे करवाना है, 100 से। तो कहने का मतलब, अगर मैं इसको मर्ज करके 100 पे ले आया ना, तो ये वाली चीज मेरे लिए क्या बन जाएगी, प्रतिशत बन जाएगी, समझे आप लोग। तो आप क्या बोलोगे, जब 500 में से किसी इंसान के 400 नंबर आ रहे होंगे, तो उस कंडीशन में अगर मैं 100 पे लाऊं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 100 में से उस कंडीशन में कितने मार्क्स आ रहे होंगे, 80 मार्क्स आ रहे होंगे ना, क्योंकि 500 में अगर 5 का भाग लगाएंगे, 100 इधर भी 5 का लगाएंगे, तो कितना 80। इसका मतलब अगर 500 में से 400 आ रहे होंगे, तो उस कंडीशन में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 100 में से कितने आ रहे होंगे, 80। तो अब ये जो 100 में से मार्क्स हुए ना, ये 80 आपके मार्क्स नहीं होते दोस्तों, ये जो चीज होगी ना, ये क्या कहलाएगा आपका, 80 क्या हो गया, परसेंटेज हो गया। समझे क्या आप लोग मेरी बात को। तो कहने का मतलब, किसी भी चीज को मर्ज करके अगर आप लोग 100 पे लेके आते हो, तो वही चीज आपका क्या कहलाती है, परसेंटेज। समझे आप लोग, ठीक है। वापस अगर मैं आप लोगों को बोलूं, किसी एग्जाम में आपके 400 में से सपोज 280 मार्क्स है, 400 में से सपोज कितने मार्क्स है, 280, है ना। तो उस कंडीशन में 100 में से कितने आ रहे होंगे दोस्तों, 4 का भाग लगा देवे, इधर भी क्या कर देवे, 4 का भाग लगा देवे। तो उस कंडीशन में हम ऐसा बोलेंगे, इसका मतलब 100 में से कितने आ रहे होंगे दोस्तों, 4 × 7 = 28, 70 मार्क्स। 100 में से कितने आ रहे होंगे, 70। तो जिस कंडीशन में आपके 100 में से 80 मार्क्स आ रहे थे, उस कंडीशन में यहाँ पे चीज क्या कहलाई थी, आपका परसेंटेज, सेम कंसेप्ट। यहाँ पे 400 में से 280 आ रहे थे, तो इस कंडीशन के अंदर 100 में से कितना आ रहे होंगे, 70। और ये जो 70 होगा, ये आपका मार्क्स नहीं होगा, ये 70 क्या कहलाएगा, परसेंटेज। तो कहने का मतलब, इसको आप 100 पे लाए, परसेंटेज बन गया, इसको आप 100 पे लाए, ये भी क्या बन गया, परसेंटेज। तो ऐसे ही किसी चीज को अगर हम 100 पे मर्ज करते हैं, तो 100 पे मर्ज करना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज। समझे आप लोग मेरी बात को, ठीक है। और देखते हैं इसके एग्जांपल, बहुत बेसिक बेसिक से चीज को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, आप लोग केवल मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं 300 में से अगर किसी इंसान के 270 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे, जिस कंडीशन में 300 में से 270 आ रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसा बोलोगे, उस कंडीशन में 100 में से कितना आ रहे होंगे दोस्तों, 90 मार्क्स।
है ना। तो अब ये 100 में से इसको 300 को अपन 100 पे लेके आ गए, तो यहाँ पे भी 270 आपका 100 के रेस्पेक्ट में कितना गया 90। तो अब ये 300 से यहां बात करूंगा तो ये इसके अंक है, 300 में से 270 अंक है, लेकिन जब मैं यहां बात करूंगा तो 100 में से 90 अंक नहीं होगी, 100 में से ये 90 क्या कहलाएंगे दोस्तों, परसेंटेज कहलाएंगे। समझे आप लोग मेरी बात को। और इसका जो सिंबल होता है वो आप लोग क्या करते हो, ऐसे एक आगे लाइन बना के दो बिंदी लगा देते हो, ठीक है, क्लियर चीज यहां तक की। आगे बात करते हैं इसके बारे में। और देखो परसेंटेज के अंदर दो बिल्कुल बेसिक सी चीज होती है, उसको देखते हैं अपन। जैसा आपका परसेंटेज है, ये आपने लिखा परसेंटेज, इसके अंदर दो चीज होती है दोस्तों। एक होता है परसेंटेज को रिमूव करना ना, परसेंटेज को रिमूव करना मतलब होता है परसेंटेज को हटाना, ठीक है। और एक होता है आप लोगों के पास में परसेंटेज को एड करना, परसेंटेज को एड करना मतलब होता है दोस्तों परसेंटेज को लगाना। तो एक तो होता है परसेंटेज को रिमूव करना और एक होता है परसेंटेज को लगाना। तो जब हम परसेंटेज को रिमूव करते ना, तब आप लोग हमेशा क्या करते हो, 100 से बाद। ध्यान देना, जब भी परसेंटेज को हटाओगे, परसेंटेज को रिमूव करोगे, उसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 100 से भाग लगाना, ठीक है। अगर परसेंटेज को एड करते तो उसका मतलब क्या होगा, हमेशा 100 से गुणा कराना है। तो परसेंटेज एड का मतलब होता है दोस्तों हमेशा 100 से गुणा, और परसेंटेज रिमूव का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमेशा 100 से भाग, ठीक है। देखते हैं आगे की चीज। जैसे अगर मान लो मैंने आप लोगों को बोला कि 75% है ना, इस 75% को मेरे को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ। इस 75% को मैंने आप लोगों को बोला कि फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करके बताओ, तो आप लोग कैसा करोगे समझना। ये आपका 75 ऐसा का ऐसा, और अगर मैं यहां से परसेंटेज को हटाना चाहूं ना, तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 100 से भाग लगाते हैं। तो आप लोग भी यही करोगे, ये 75 ऐसा का ऐसा, इस परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 25 से 75, 25 100 कितना आ जाएगा, 3/4। और ध्यान रखना फ्रैक्शन क्या होती है, ऐसी लास्ट वैल्यू जो किसी सेम नंबर से कटे नहीं। तो ये दोनों किसी सेम नंबर से नहीं कट रहे, इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 3/4, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको बोला 50% इसको आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ ना, भिन्न में कन्वर्ट करके बताओ, तो आप लोग कैसे कराओगे। ये 50% मतलब 50 ऐसा कैसा, और परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय कितना दोस्तों, 100। 50 से काटोगे एक बार, 50 से कितनी बार, 2 बार। तो ये कितना बन गया आपके पास, 1/2, ये आपके पास क्या होगा, इसके भिन्न होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। तो ये जो दोनों एग्जांपल देखे थे, ये परसेंटेज को हटाने के थे ना, अब परसेंटेज को एड लगाने के एग्जांपल देखते हैं कि परसेंटेज एड कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बोला सपोज 3/5, अब इस 3/5 को आपको कन्वर्ट करके बताना है परसेंटेज के अंदर। इसको कन्वर्ट कैसे कराएंगे समझना, ये 3/5 आपका ऐसा कैसा, अगर परसेंटेज में एड कराना है तो क्या बोला कि परसेंटेज लगाना है मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो आप लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ये 100 से मल्टीप्लाई 5 से एक बार 20 बार, 20 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60%। समझे आप लोग मेरी बात को। वापस मैं आपको बोल दूं, सपोज 1/4 है, इसको परसेंटेज में चेंज करके बताओ, तो 1/4 को परसेंटेज में चेंज करके बताएंगे तो इंटू कितना, 100। इसको भी काटोगे 4 से कितना आ जाएगा दोस्तों, 25%, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी परसेंटेज को हटाना और परसेंटेज को लगाना, ठीक है। अब देखो एक और मैं आपको छोटी सी चीज बता देता हूं। हमेशा क्या होता है कि कोई भी नंबर जो होता है ना, कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप में 100% है। कोई भी नंबर जो होगा वो अपने आप में क्या है, 100% है। जैसे मान लो आपने बोला 50, तो 50 भी अपने आप में खुद का 100% है ना, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं 50 का 10% चाहिए, मतलब 50 एक तरह से 100% था, 50 का 10% निकाला तो वो कितना आया, 5 आ गया, ठीक है, क्लियर चीज, ठीक है। अब अगर मैं इसको और अच्छे से एग्जांपल लेना चाहूं तो आप लोग एक छोटी सी चीज को इमेजिन करना। आजकल देखो अल्कोहल का भी सैनिटाइजमेंट में बहुत यूज आ रहा, तो अल्कोहल ही ले लेते अपन। सपोज अल्कोहल है और यहां पे मैंने ऐसे इसकी शेप बना दी, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 पोर्शन हो गए ना। अब यहां पे एक तरह से इसके अंदर कैपेसिटी कितनी गई, ये 1 पोर्शन 2 पोर्शन 3 पोर्शन 4 पोर्शन और ये 5 पोर्शन। तो इसमें टोटल कैपेसिटी कितने भरने की है, तो 5 पानी भरने की, मतलब 5 हिस्सा अपन अल्कोहल भरने की इसके अंदर कैपेसिटी है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि सपोज ये 1 हिस्सा भी भरा हुआ है और ये 2 हिस्सा भी भरा हुआ है, ठीक है, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो क्या कि हमारे पास टोटल पोर्शन कितना है, 5 है। टोटल पोर्शन 5 था ना, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इस 5 हिस्से में से आपके पास भरा हुआ पोर्शन कितना है दोस्तों, 1 और 1, 2। तो आप क्या बोलोगे, इस 5 हिस्से में से 2 हिस्सा भरा हुआ है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि यार ये जो गिलास है इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो आप लोग क्या बोलोगे, 2/5 भाग, मतलब इसकी टोटल कैपेसिटी 5 है, उसमें से कितना भरा हुआ है, 2 भरा हुआ है। समझे आप लोग मेरी बात को। अगर मान लो मैं इसी चीज को परसेंटेज में ले जाऊं, तब मैं क्या बोलूंगा समझना, कि इसकी जो टोटल कैपेसिटी वो मेरे हिसाब से कितनी है, 5 है। लेकिन अगर मैं उसी 5 हिस्से को परसेंटेज में चेंज करूंगा तो वो 5 हिस्सा कितने का है,
100% का है कि नहीं है ना, समझ रहे हो ना बात को? क्योंकि मैंने क्या बोला, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पे जो ये पांच हिस्सा है ना टोटल, ये पांच हिस्सा परसेंटेज में कितना है 100%। तो जब ये पांच हिस्सा इसका जो है वो टोटल 100% को डिनोट कर रहा है, तो इस ग्लास का एक हिस्सा जो होगा वो 20% को डिनोट कर रहा होगा ना। कहने का मतलब 20% ये 20% वापस 20% वापस 20% वापस 20%, तो टोटल कितना हो गया, ग्लास भर के 100% है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो ये टोटल फाइव हिस्सा था ना, ये फाइव हिस्सा ही आपको अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब ये पांच हिस्सा आपका 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसका एक हिस्सा जो होगा ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पांच हिस्सा 100% का है, तो उस कंडीशन में एक हिस्सा जो होगा ना वो कितने का है, 20% का। समझ गए आप लोग मेरी बात को, ठीक है। अब यहां से मैं आपको बोलूं कि ग्लास भरी हुई कितने परसेंटेज, तो एक और एक दो हिस्सा भरा हुआ, तो जब एक हिस्सा 20% का, तो दो हिस्सा कितने का हो जाएगा दोस्तों, 20 × 2 मतलब कितने का, 40% का। इसका मतलब गिलास जो भरी हुई वो कितनी भरी हुई है, 40%, और टोटल मात्रा उसमें कितनी है, 100%। समझा आप लोग मेरी बात को, या फिर आप चाहो कि नहीं इतना बड़ा नहीं करना और इजी तरीका, तो आप यहीं पे बोल सकते हो कि टोटल पोर्शन कितना था, पांच, उसमें से गिलास भरी हुई कितनी है, दो, ये तो एक भिन्न आ गई। अगर इस भिन्न को मुझे परसेंटेज में चेंज करना है, तो अब मैं क्या कर दूं, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, तो 5 से एक बार ये 20 बार, 20 × 2 कितना आ जाएगा आपके पास, 40%। समझ गए आप लोग मेरी बात को, क्लियर चीज यहां तक की है ना। एक और चीज, अब मैं आपको मान लो ऐसा पूछ लेता कि ये तो भरा हुआ परसेंटेज बताया, मुझे ये बताओ कि खाली परसेंटेज कितना है, तो आप लोग क्या बोलते हैं, टोटल हिस्सा पांच है, उसमें से खाली हिस्सा कितने का, एक दो और एक तीन, तीन हिस्सा खाली, तो 3/5 भाग खाली है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी को परसेंटेज में चेंज कराऊं, तो 3/5 ऐसा कैसा परसेंटेज में चेंज, तो × 100, एक बार ये 20 बार, 20 × 2 तीन कितना आ गया दोस्तों, 60%। या फिर मैं ऐसा बोल सकता था, यहाँ पे अगर ये 40% पहले भरा हुआ आया, इसका मतलब टोटल परसेंटेज आपका 100% होता है, तो उस 100 में से अगर 40% भरा हुआ आया, तो स्वाभाविक सी चीज है कि ये जो खाली हिस्सा होगा वो कितना का जाएगा दोस्तों, 60% का जाएगा। समझ गए बात को? तो कोई भी चीज अपने आप में पूरा 100% होती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा कि कोई भी चीज पूरा अपने आप में 100% होती है, और हमेशा हमको उसका यूनिटी निकालना है। जैसे हमने यहां करा था ना कि ये पूरा पांच हिस्सा तो जो था वो परसेंटेज में एक तरह से कितना था, 100% था, ठीक है। तो हमको इसका यूनिटी निकालना था, तो एक हिस्सा कितना का गया था हमारे पास, 20% का। क्लियर चीज, ठीक है, एक मिनट। ओके, मिलते हैं वापस। तो दोस्तों यहां तक की चीज क्लियर, ये जो पढ़ा था ना, ये अपन बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था कि परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। आज अपन चीज, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। नेक्स्ट शेड्यूल लगा दीजिए आप लोग, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। समझना चीज को ध्यान से बहुत अच्छे से। अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक, ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज ना वो अपने आप में 100% है, तो ये जो एक होगा ना, इसको अगर मैं परसेंटेज में चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये एक हिस्सा अपने आप में कितना है, 100% है, ठीक है। एक हिस्सा अपने आप में कितना माना, 100%। तो अगर मैं आपको बोलू 1/2, अगर मैं आपको बोलू दोस्तों 1/2, तो जब एक हिस्सा 100% का है, तो आधा कितने का होगा, 100 का आधा कर दे, 100 का आधा मतलब आधा कितने का, 50% का। या फिर आप लोगों ने अभी सीखा कि 1/2 आपका भिन्न में लिखा हुआ है, अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आप लोग 1/2 को मल्टीप्लाइड बाय 100 कराओगे ना, तो ये कैंसिल होकर कितना जाएगा आप लोगों के पास, 50%, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बोला 1/3, 1/3 को परसेंटेज में चेंज कराओ, समझना, 1/3 को अगर परसेंटेज में चेंज कराना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करा दे। यही तो सीखा हमने कि किसी भी चीज को परसेंटेज में चेंज करना है मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तो हमने वही करा कि 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करा दिया दोस्तों, 100 से। अगर मैं 1/3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, तो इसको 100/3 बोल सकता हूँ, है ना। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये 100 ऐसा कैसा, इसको आप लोग 3 से भाग लगाओगे तो 3 कितना दोस्तों, 9, वापस 1 और 0, वापस ये 3 कितना हो जाएगा, 9, रिमेनिंग कितना बचेगा आपके पास, 1 बचेगा, है ना। और ये जो 1 बचता है ना रिमेनिंग, इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, जिससे डिवाइड करा रहे ना उसको हम नीचे लिख देते, तो ये कितना बचा, 33 सही 1/3, ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे से अगर लिखना चाहे तो यहां पे लिख देते हैं कि 1/3 जो होगा उसका परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 33 सही 1/3%। समझे आप लोग मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 1/4 की बात करूं, तो आप लोगों को बताया कि 1/4 को परसेंटेज में चेंज कराना, तो एक तरीका तो क्या कि 1/4 को मल्टीप्लाइड बाय 100 करा दे। अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो भी कट के कितना आ जाएगा आपके पास, 25% ना। लेकिन याद रखने का तरीका, एक जो था वो 100% था,
तो इसका जो आधा होगा वो कितना होगा 50%। तो आधे का जो आधा होगा, क्योंकि 1/4 क्या है, आधे का आधा है ना, तो इस 50 का आधा कराओगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आप लोगों के पास में 25%। समझा आप लोग मेरी बात को। उसके बाद आगे 1/5, अगर 1/5 की बात करूंगा तो वही मल्टीप्लाइड बाय 100, 1/5 को मल्टीप्लाइड बाय 100 कराओगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 20%, ठीक है। और 33 सही 1/3% को अपन 33.33% भी लिखते हैं, क्लियर चीज यहां तक की। उसके बाद 1/5 के बाद 1/6, 1/6 भी सेम चीज, अगर आप लोग 1/6 भी कराओगे ना तो 1/6 को परसेंटेज में चेंज कराने के लिए वही 1/6 × 100 है ना, इसको भी काटोगे तो 50 बार, ये कितनी बार दोस्तों 3 बार, तो ये कितना बन रहा होगा आपको 50/3, 50/3 मतलब 16 × 48, 16 बार पूरी बार जा रहा है, रिमेनिंग 2 बचा है, तो 1/6 मतलब होता है आपका 16 सही 2/3%। ये पूरा जो परसेंटेज का खेल है वो आपका फ्रैक्शन से ही चलेगा, इसलिए इस फ्रैक्शन को बहुत अच्छे से याद रखना। ये हो जाएगा दोस्तों आपका 16.66%। उसके बाद आता है 1/7, 1/7 को भी अगर अपन परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वही मल्टीप्लाइड बाय 100, 100/7, 100/7 करेंगे तो 14 × 97 होता है, तो ये आपका 14 तो पूरी बार, रिमेनिंग कितना बचेगा 2 डिवाइड बाय कितना 7, तो इसका मतलब होता है आपका 14 सही 2/7%, या फिर इसको 14.28% भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर चीज यहां तक की, ओके। उसके बाद 1/8, अब देखो 1/8 को क्या बोल सकता हूं, आधा कितना था 50%, आधे का आधा कितना था 25%, अब 1/4 का भी आधा करा दूंगा तो 1/8 मिल रहा है ना, क्योंकि 1/4 का आधा मतलब कितना 1/4 × 1/2, तो आधा 1/4 जब 25% है तो उसका आधा कितना 12.5%, तो 1/8 मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 12.5% ये आपके पास, ठीक है, या फिर 12.5% को मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ 12.5%, क्लियर चीज, ठीक है। उसके बाद 1/9 को आप लोग क्या बोलते हो, 11.99 11 सही 1/9% बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको अपन 11.11% भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर 1/10 की बात करेंगे तो वही 100 × 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा दोस्तों 10%। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ साथ इसको लिखते हुए चलेगा, क्योंकि पूरी अपनी अर्थमेटिक जो होगी ना वो इसी फ्रैक्शन के इर्द गिर्द घूमेगी, इसी से अपन हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है, क्लियर चीज। आगे बात करते हैं इसी फ्रैक्शन के अंदर और केस लेते हैं कुछ, तो आप लोग हमारी बात को समझ पाते या नहीं समझ पाते इसको कृपया कमेंट करके हमको एक बार जरूर बताएं। आगे बात करते हैं 1/10 तक की बात हो गई थी, 1/11 ना, 1/11 मतलब होता है 11.99 9 सही 1/11%, जिसको अपन 9.09% भी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 1/12, 1/12 मतलब होता है दोस्तों 8 सही 1/3%, ये ध्यान रखना बहुत काम आएगी चीज, अभी भी बोल रहा हूं बहुत काम आएगी ना, तो 1/12 मतलब होता है 8 सही 1/3%, इसको बोलते हो आप 8.33%। फिर आपका 1/13 ये हो जाएगा आपका 7 सही 13 7 91 7 सही 9/13 कितना 13%, ठीक है, क्लियर चीज। उसके बाद 1/14 की बात करते हैं, 1/14 होता है आपका 7 सही 1/7%, ठीक है। हाँ, अगर इसको अपन भाग लगाना चाहिए तो ये पॉइंट में भी लिख सकते हो आप लोग इसको 7 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 69% ना, और ये 7 सही 1/7% मतलब 7.14%। अगर 1/15 की बात करेंगे तो 1/15 6 सही 2/3% होता है, ठीक है, इसको अपन लोग 6.66% बोलते हैं, और ये कैसा बन रहा है जो चीज मैंने आप लोगों को पहले बता दी 1/3 का एग्जांपल लेके, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों 1/16, ये होता है आपका 6 सही 1/4%, जिसको आप लोग 6.25% भी बोलते हो, ठीक है, क्लियर चीज। उसके बाद 1/17, वैसे यहां तक की चीज ज्यादा काम की, हमेशा हमारे 1/16 तक का ही काम पड़ेगा, लेकिन फिर भी 1/17 भी लिख देता हूं 5 सही 15/17%। 1/18 होता है दोस्तों 5 सही 2/9%, ठीक है, 18×5=90 होता है ना, उसके बाद आप 5 सही 5/9, ठीक है। उसके बाद लास्ट 1/19, 5 सही 5/19%, और लास्ट 1/20 मतलब होता है आपका 5%, चलो 1/25 भी लिख देते हैं, 1/25 होता है आपका 4%। तो यहां तक का जो परसेंटेज का सिनेरियो था फ्रैक्शन, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी। अब इस फ्रैक्शन का यूज क्या होता है ना, उससे रिलेटेड मैं चीज आपको बताता हूं कि हम इस फ्रैक्शन को याद क्यों रखते हैं ना, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपके सामने दो एग्जांपल लेता हूं ऐसे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कितनी है, ठीक है,
जैसे एक एग्जांपल लेता हूं आपके पास, आपको बोला सपोज 480 का 16 सही 2/3% प्लस 350 का 14 सही 2/7% बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 33 सही 1/3%। पहले यहां पर डिजिट लिख देते, चलो यहां पर जगह नहीं हमारे पास, यहां लिख देते क्वेश्चन मार्क प्लस बराबर में क्वेश्चन मार्क प्लस 180 का 35 सही 1/3%, ठीक है, और आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। अब आप लोगों के पास में ये इतनी सारी चीज दे रखी है, आपको इसका आंसर बताना है। अगर दोस्तों आप लोगों को फ्रैक्शन नहीं पता है ना, तो आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे जब कम से कम आपके पास 3 से 4 मिनट का नुकसान हो जाएगा। आप पहले इसको सिंपल करोगे, 16 3 8 4 8 4 2 कितना 50/3, फिर परसेंटेज को रिमूव करोगे, डिवाइड बाय 100, फिर इसको कैंसिल आउट करोगे, बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा ना। वापस बोल रहा हूँ, बेसिक से करोगे तो 480 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना, फिर ये 16 3 48 2 कितना 50/3, परसेंटेज हटाओगे 1/100, फिर यहाँ पे भी वही 350 इंटू इसको सिंपल कराओगे ना, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बता रखा तरीका कि हमेशा हमको याद रखना उल्टा, कम से कम 1 से लेके 1/20 तक की चीज आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, उसमें से 1/16 तक तो कंटस्ट होना चाहिए ना। तो इसको देखते, देखो 480 का मतलब कितना इनटू, इसको अपन बिल्कुल ओरल करने की कोशिश करेंगे। ये 16 से ही 2/3% को क्या मैं 1/6 लिख सकता हूं क्या? यही तो मैंने आप लोगों को बताया कि 16 से ही 2/3% का मतलब कितना होता था, 1/6, अभी सीखा अपन ने। तो जब मैं इसको 1/6 लिखता हूं तो ये तो कैंसिल होगा, 6 से 1 बार 6 8 50 कितना गया 80, तो यहां से 80 को तो मैं माइंड में लिख सकता था ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल ओरल है, ध्यान देना आप लोग, कि 480 का 16 से 2/3% मतलब 1/6 1/6 6 से काटा दोस्तों कितनी बार, 6 8 50 कितना 80 बार कट रहा है। यहां से भी देखना 14 से ही 2/7% को आप लोग 1/7 लिख सकते हो ना, 7 से कितनी बार, ये 35 7 5 35 50 बार ये कट रहा है, ठीक है। इधर देखना 180 33 से 1/3% मतलब होता है 1/3, ये कितनी बार कट रहा है दोस्तों, 60 बार, समझ गए मेरी बात को, 3 से 60 बार। अब यहां पे देखना 80 प्लस 50 130, उसमें से ये 60 आपका इधर चला जाएगा, तो 130 में से 60 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 70, ये आपका आंसर, समझ गए बात को। या फिर अगर करना चाहो तो 1/6 6 से ही कटेगा आपका, 6 8 50 80 प्लस 14 से ही 2/7% को 1/7 7 5 35 कितना जाएगा दोस्तों, 50 बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब x, ये प्लस था तो प्लस 180 का 33 से 1/3% मतलब 1/3, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है, प्लस के 60 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 80 और 50 कितना 130, इसमें से 60 को घटा लो x का मान आ जाएगा, मतलब x कितना आ जाएगा दोस्तों 40 और 30 कितना 70। तो आप लोगों के पास x का मान कितना आ गया 70 आंसर, समझे आप लोग मेरी बात को, बहुत इजी चीज है, परसेंटेज टॉपिक है बहुत इजी, केवल आप लोग जो चीज समझा रहा हूं उसको समझते हुए चलिएगा, परसेंटेज बहुत अच्छा टॉपिक है। एक और एग्जांपल ले लेते अपन, ऐसा एक हजार का 25% का 1% का 1% बराबर कितना क्वेश्चन मार्क, बहुत इजी एग्जांपल है। 1000 का 25% का 1% का मान क्या होगा, तो इसको भी यहां पे देखना, ध्यान से लिखते हुए चलेंगे, ये 1000 का मतलब कितना दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 25% मतलब कितना 1/4, वापस का मतलब मल्टीप्लाई 1% मतलब 1/100 लिख सकते हैं, वापस मल्टीप्लाई 1% मतलब कितना लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं, क्लियर है चीज। 4 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको काट लें, 4 से 100 कटता आपका 25 बार, ये 1 0 और था तो ये 1 0 हो जाएगा 250, ठीक है। यहाँ पे 1 सिंगल 0 से 1 सिंगल 0 कट, नीचे कितना बचा दोस्तों 1000, ऊपर कितना 25, तो यहाँ पे लाइन ये बनी ना 25/1 कितना 1000, तो इसको आप लोग भाग लगाओगे तो 0.0 कितना हो जाएगा दोस्तों 25, या आप लोगों के पास में आंसर, समझे आप लोग मेरी बात को। तो ये जो अपना टॉपिक था आज, जो मैंने आपके सामने चीजें पढ़ाई है, वो परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक पोर्शन था। आप लोग यहां तक की चीज को बहुत अच्छे से वर्क करना, और जो फ्रैक्शंस बताई थी 1 से लेके आपके पास 1/20 तक की, वो आपके सामने बहुत अच्छे से कंटेस्ट होनी चाहिए। अगर वो चीज कंटेस्ट होगी तो ही आप वीडियो के अगले पार्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए आज का जो वीडियो था उसको एक बार रिवाइज करना, और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक जो चीज मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप लोग हमको एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, आप जो हमसे पढ़ रहे हो वो चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ओके दोस्तों, थैंक यू।